बार हम होली मतलब इको इको फ्रेंडली मनाएंगे, ज़्यादा रंग वंग से नहीं, बस थोड़ा अबीर से। डिजिटल ज़माना है, वीडियो कॉल है, फ़ोन है, उसी से होली मन जाएगा और क्या। फुल के होली पहले खेला करते थे, अब उस तरह की होली नहीं रहेगी। घर में ही सब लोग फुल फैमिली, सभी लोग ज्वाइंट फैमिली, सब कोई होली मना रहे हैं। कोरोना है जैसा कि सबको जानते हैं, तो हम लोग अपने घर में ही रहकर होली मनाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। रंगों का त्यौहार होली अब से कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो इसको लेकर बाजार में पूरी तरह से रौनक देखने को मिल रही है। पूरा बाजार जो है वो गुलजार हो चुका है। तो आज हम पटना के सड़कों पर उतरे हैं और हम यहाँ जानेंगे कि आखिर इस कोरोना काल में लोग किस तरीके से होली मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो इस होली में, आइए जानते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे एक युवती है, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस बार होली कैसे मना रही हैं। जी, इस बार होली भीड़ भड़ाका में नहीं और फैमिली के साथ मनाना है। ज़्यादा लोग नहीं, बस फैमिली के लोग आएंगे घर पे और वही सेलिब्रेट होगा। बाहर जाना वाना नहीं है और कुछ नहीं। इस बार की होली और उस पहले की होली में अब तो बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिल रहा है, तो आप इस बार होली कैसे मना रही हैं? इस बार हम होली मतलब इको फ्रेंडली मनाएंगे, ज़्यादा रंग वंग से नहीं, बस थोड़ा अबीर से। वो भी सिर्फ शाम को पेरेंट्स सबको पैड पर अबीर डालेंगे और बस, और मम्मी लोगों को थोड़ा लगाएंगे और खाना। शॉपिंग कर ली आपने? जी। क्या क्या लिए शॉपिंग में? कुर्ती ली है और मम्मा सबके लिए चूड़ी उड़ी और कुछ नहीं। होली में क्या पहनना पसंद करती हैं, ट्रेडिशनल या वेस्टर्न? ट्रेडिशनल। यस मैम। आपको लग रहा है कि हाँ इस बार होली में मन लगने वाला है? उतना ज़्यादा मन नहीं लगेगा, बट करना पड़ेगा जैसे भी हो, क्योंकि इस टाइम कोरोना जो है आया है, इसके कारण हम लोग को थोड़ा कंजेस्टेड करना पड़ेगा। इस बार की होली कैसे मना रही हैं आप, क्योंकि कोरोना काल भी है और अब तो पहले की तुलना में फ्रेंडली, इको फ्रेंडली अब जो होली पहले मनाया जाता था वो अब नहीं मनाया जा रहा है, तो क्या क्या शॉपिंग कर रही हैं, कैसे मना रही हैं? शॉपिंग में तो कुर्ती पजामा जो हम लोग पहनते हैं, हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस, और फिर होली हम लोग सिर्फ फैमिली के साथ मना रहे हैं। इस बार कोरोना के वजह से आप तो देख ही रही हैं सब जगह क्या हाल है, तो फिर सिर्फ फैमिली और रिश्तेदार वगैरह सब जहाँ है जो है अपने घर पे, और बस खाना पीना चलेगा। होली गुलाल से थोड़ा बहुत खेल लेंगे, बस हो गया। लग रहा है कि पहले की तुलना में इस बार होली में मन लगने वाला है? मन को लगाना पड़ेगा कोरोना को देखते हुए, हम लोग को अपने हेल्थ को भी तो देखते हुए चलना है। गवर्नमेंट हमारे लिए तो इतना सब कुछ कर रही है, तो फिर हमको भी उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना, तो इसलिए मन को लगाना पड़ेगा। इस बार की होली कैसे मना रही हैं आप? इस बार की होली तो मैं यही रह के मना रही हूँ, घर जा नहीं रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे घर वालों ने पहले ही मना कर दिया है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, बाहर से नहीं आना है, तो मैं यही मना रही हूँ। अखिल की होली तो बहुत ही अलग है, क्योंकि इस बार आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मैनेज करना है। देखिए अलग है, बट ऐसा नहीं है, जो रिचुअल्स हैं लाइक सबको विश करना, फिर ग्रीट करना, वो तो हम लोग करेंगे ही ना। अब है कि हाँ हम लोग डायरेक्टली किसी से मिल नहीं सकते हैं, तो कोई नहीं, इतना डिजिटल ज़माना है, वीडियो कॉल है, फ़ोन है, उसी से होली मन जाएगा और क्या। होली का त्यौहार कैसा लगता है आपको? दिवाली के बाद सेकंड फेवरेट है मेरा। आपका फेवरेट होली है, तो आपको लग रहा है कि किस कोरोना ने मेरा होली बिगाड़ दिया? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सही है। ऐसे भी हम लोग को डिस्टेंस देखिए मेंटेन रखना चाहिए, इतना पॉल्यूशन है ना, हाइजीन तो मेंटेन करना अच्छी बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि होली बिगड़ गया। हम लोग खुश रहेंगे, सबको विश करेंगे, बच्चों से प्यार करेंगे, बड़ों को ग्रीट करेंगे, दैट्स इट। फेस्टिवल का मतलब यही होता है, इतना काफ़ी है। तो लगता है आपने शॉपिंग भी किया है? बिल्कुल बिल्कुल, शॉपिंग की। क्या लिए आप शॉपिंग में? मैंने लिया है, जैसा कि मैंने बताया घर तो मैं जा नहीं रही हूँ, तो मैंने ले लिया है। मैं किसी भी तरीके से उन लोगों के पास गिफ्ट्स भिजवा दूंगी, बस होली सेलिब्रेट हो जाएगी। कर लिया है आपने? नहीं अभी तो आई है। अभी लेने वाली हैं? हाँ। क्या ले रही हैं आप? जो भी पसंद आ जाए। हम साड़ी के अलावा कुछ नहीं लेते हैं, साड़ी और बच्ची का कपड़ा खरीदने आया है। और होली तो मनाएंगे ही, क्योंकि हम हिंदुओं का मने बहुत महापर्व है, उत्सव का पर्व है, लेकिन अपने आप में डिस्टेंस बना कर ही लेंगे, होली मनाएंगे, लेकिन होली मनाएंगे। हाँ, तो आपका ये आपका मतलब पसंदीदा त्यौहार है ये? बहुत बहुत। आपको लग रहा है कि इस बार की होली थोड़ी अलग देखने को मिलेगी? हाँ, ऐसा तो लग रहा है कोरोना काल की वजह से, पिछले एक साल से हर चीज़ में अलग ही अलग दिखाई दे रहा है, तो इस बार भी थोड़ा अलग होगा। हाँ, परिवार के साथ मना रहा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं, ज़्यादा ये नहीं, लेकिन जो अपने लोग हैं उन्हीं के साथ, फैमिली लोगों के साथ मना रहे हैं। कोविड में सिर्फ अच्छे से होली मनाएं और मास्क पहने रहें, सैनिटाइज करें, दैट्स इट। आप होली कैसे मना रही हैं? सिर्फ घर के साथ, मतलब हम फैमिली के साथ। हाँ, तो सिर्फ आप,
तो अपने दोस्तों से नहीं मिल रही हैं? मेरे दोस्त वैसे भी इधर नहीं रहते, सब आउट स्टेशन रहते हैं, तो उधर ही। होली इज लाइक सिंपल, आप सेलिब्रेट करें, इस बार ज़्यादा लोगों से ना ज़्यादा लोगों से नहीं मिल रहा हूँ और घर वालों से ही कन्फाइंड हूँ इस बार, बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ कोविड, तो इट्स गुड कि आप घर तक ही रहें। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, आप अपने फैमिली के साथ टाइम तो स्पेंड करोगे। हाँ, ये है कि आप कभी जब शाम को निकल रहे हो तो यू विल थिंक कि हाँ मैं जा रहा हूँ, वेदर इट इज़ गुड और नॉट, तो हम घर तक ही रहें। शाम का टाइम थोड़ा सा वो होगा। इस मार्केट में कोरोना नाम का कोई भी चीज़ नज़र नहीं आया, जैसा कि आप भी देख रही हैं, इतना कम जगह में इतनी भीड़ और उसमें बहुतों के चेहरे पे मास्क नहीं है, है ना, तो ये तो एक ख़तरनाक संदेश है। जबकि हम लोग डेली न्यूज़ में देख रहे हैं कि भारत में कोरोना धीरे धीरे सेकेंड लहर में और बढ़ रहा है, ये अलग बात है कि अभी बिहार की स्थिति थोड़ी बेहतर है अन्य राज्यों से, लेकिन फिर भी इसमें परहेज करने की ज़रूरत है और बचने की ज़रूरत है। अभी तो फिलहाल फैमिली के लिए शॉपिंग करने आए थे, होली तो घर पे ही मनेगा, तो बस घर जाने की तैयारी चल रही है। शॉपिंग कर ली आप? हाँ, शॉपिंग हो गई है, साड़ीज़ वगैरह हैं और सूट। तो आपको लग रहा है कि इस बार होली पिछले बार की तुलना में अलग मिलेगा? तो ज़रूर देखने को, क्योंकि जिस हिसाब से अभी माहौल है, फिर से कोरोना जैसे बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा तो एहतियात बरतना ज़रूरी है। ऑब्वियसली घर में आदमी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे ना, तो उतना ही काफ़ी है, सेलिब्रेशन के लिए तो फैमिली काफ़ी है ना, सोसाइटी तो फिर उसके बाद है ही। इस बार कोरोना का टाइम है तो हम लोग सब लोग घर में ही, इस बार कहीं किसी को नहीं जाना है, और फिर से जैसे कि कोरोना बढ़ते जा रहा है वो लेकर के घर में ही सब लोग, फुल फैमिली, सभी लोग जॉइंट फैमिली, सब कोई होली मना रहे हैं। क्या शॉपिंग करने आई थी यहाँ? बस क्लोथ्स, होली के लिए न्यू क्लोथ्स। अगर अगले साल इससे ज़्यादा अच्छा मना सकते हैं हम लोग, अगर बच गए इस बार कोरोना से, तो इसलिए अगले साल फ्रेंड्स लोग के साथ, और अगर जो लोग फ्रेंड्स सेफ्टी से आएंगे उनके साथ घर पे भी होली मनेगी। दूरी बना के होली खेलना है, मास्क लगाना है, दूसरे को ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है, बस यही सब करना है, जितना सोशल डिस्टेंस में रहे उतना अच्छा है, और जो है कि धूम्रपान तो वो बिल्कुल नहीं करना है, बस यही सब। होली आप इस बार जो बना रही हैं, पहले की तुलना में इस बार होली आपको बोरियत लगने वाली है या फिर पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छा लगने वाला है? पहले से तो थोड़ा ख़राब ही रहेगा, इसलिए कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत सारे राज्य में जो है कि अभी भी चल रहा है, तो इसलिए जितना दूरी बना के रहे उतना ही अच्छा है। लेकिन होली जो है वो गिले शिकवे को भुला कर एक दूसरे से गले लगने का दिन है। हाँ, सो तो है, लेकिन वो दिल से होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को छेड़खानी करके रंग डाल के, ये नहीं होना चाहिए। दिल में प्रेम होना चाहिए, मन में प्रेम भाव होना चाहिए, और क्या। अब उसके हिसाब से ही ना होगा, अब ज़्यादा तो नहीं होगा, हिसाब से होगा कि बच जाए हम लोग, उसी वजह से थोड़ा थोड़ा। क्या पकवान बना रही है इस बार? जो हमेशा बनता है। बजट पे भी असर पड़ा है कुछ? सब चीज़ बनेगा जो पहले बनता था। पहले बनता था। तो इस बार तो बाहर के लोगों से मिल रही हैं या फिर नहीं, सिर्फ घर में? नहीं, अभी तो घर हैं, गांव जाना है। तो शॉपिंग कर ली आपने? हाँ, कर लिए। कॉर्पोरेट डर लग रहा है। उतना ज़्यादा लोग नहीं आएगा, बस जो घर के लोग हैं हमने लोग बस। मतलब सिंपल COVID-19 का जो गाइडलाइन है उसको आप देखते हुए मना रही हैं? हाँ। तो मन लगेगा आपको इस होली में? उतना तो नहीं लगेगा, मगर हाँ होली है तो लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे। जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, बस घर में अपने थोड़ी फीकी रहेगी दोस्तों के साथ, उतना जितना खुल के होली पहले खेला करते थे अब उस तरह की होली नहीं रहेगी। तो कैसे होली मना रही हैं आप? होली दोस्तों से मिल के ही मना रहे हैं और अच्छे से। वैसे तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, घर जाके मनाएंगे सब लोग मिलके। क्या क्या तैयारियाँ कर चुकी हैं होली के? होली के लिए तो बहुत तैयारी हो रही है, देखिए कोरोना तो है बट होली तो हम लोग नॉर्मली होम में सेलिब्रेट करते हैं। सिर्फ अपने घर में रहकर ही होली मना रहे हैं। हाँ, और कुछ? इस बार की लग रही है, इस बार की होली जो है वो कोरोना काल ने जो तो ग्रहण लगाई है, पहले की तुलना में अब होली पहले जैसी नहीं रही, तो इस बार की होली कैसे है? ठीक ठाक ही रहेगी, जैसे हम लोग सब अपने को कोरोना है जैसा कि सब कुछ जानते हैं, तो हम लोग अपने घर में ही रहकर होली मनाना चाहते हैं। बस परिवार दोस्तों से नहीं मिल रही है? नहीं, सिर्फ घर में ही रहकर फैमिली मेम्बर्स रहकर ही होली मनाएंगे। बस उसी तरह हम दोनों बहनें ही हैं, सोच एक ही, घर एक ही सोच एक ही है। मायके में मना रही है, ससुराल में मना रही है? इस बार तो मायके में मना रहे हैं, क्योंकि नया नया शादी है तो पहला होली तो मायके में ही मनेगा।
तो मायके में ही फैमिली लोग के साथ बस। तो शॉपिंग कर ली आपने? हाँ बस शॉपिंग करने ही आए हैं, कर ही रहे हैं। तो होली में क्या क्या बना रही हैं आप? जो बनता है, जो जिसको जो अच्छा लगे वो पूछ के बना देना है बस। तो इस बार की होली में मन लगने वाली है? हाँ हाँ, क्यों नहीं लगे, फैमिली लोग के साथ तो मन लगेगा ही लगेगा। दूरी 2 गज का बना के रखना है, मुँह में मास्क लगा कर, और बस परिवार दोस्तों से मिलने जा रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन वही मिलने जाएंगे, लेकिन दूरी बनाकर ही मिलेंगे ताकि कोरोना ना फैले। कहता है कि होली का जो त्यौहार होता है वो परिवार दोस्तों से मिलने का दिन होता है, जो भूले बिसरे दोस्त है वो भी उस दिन मिलते हैं, तो आप कैसे बना रहे हैं? ना दोस्त के पास जाएंगे, बहुत दिन से जिनसे मिले भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लग रहा है कि इस बार की होली पहले की तुलना में अलग? हाँ, थोड़ा तो अलग ज़रूर मिलेगा कोरोना के कारण। तो देखा आपने, यहाँ के लोगों से हमने बात की और उनका यही कहना है कि होली जो है हम लोग त्यौहार मना तो रहे हैं लेकिन कोरोना के गाइडलाइन को मानते हुए मनाएंगे, और इस बार होली जो थोड़ी सी फीकी देखने को मिलेगी लेकिन फिर भी रंगों का त्यौहार वो होली जो है वो हम लोग दिल खोल के मनाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ ट्विटर और फेसबुक को भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।